आप सभी लोगों को राम राम। फरवरी के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो कंप्लीट डेटा फाइनली अब आ चुका है। असल में जो 10 कंपनीज हैं उनका डेटा तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन टोटल मैं आपको हमेशा ही 14 कंपनीज के बारे में बताता हूं, तो रिमेनिंग जो 4 कंपनीज हैं उनको डेटा आज ही आया है। अगली बार से कोशिश करूँगा कि जो मेरी सोर्स है उसको मैं थोड़ा अपडेट करूँ या चेंज करूँ, क्योंकि डेटा लगभग हर महीने ही डिले होने लगा है और डिले होने की वजह से काफ़ी कुछ झूठी चीज़ें जो हैं वो फैलने लगी हैं यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। 14th पोजीशन पर है जीप। इसने सिर्फ 331 गाड़ियों को ही बेच पाया है फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 0.1% है, जो कि पिछले साल 0.2% था, मतलब कि आधा गिर गया है। खैर 0.2 भी कोई ज़्यादा नहीं है। जीप के बहुत बुरे हालात हैं, इनको ज़रूरत है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की, या कम से कम कंपस की नेक्स्ट जनरेशन ही लॉन्च कर दो। बहुत पहले खबर आई थी कि जीप वाले रेनीगेट को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि क्रेटा के सेगमेंट में मिला करेगी। वो भी बस एक खबर बन के रह गई, लॉन्च नहीं हुई। अगर वो लॉन्च हो जाती तो शायद जीप की कहानी कुछ और होती। 13 पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने 421 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। सिट्रन भी भाई अगली जीप ही है, एक भी प्रोडक्ट इनका कोई दमदार नहीं है आफ्टर सेल्स की, तो क्या ही कहने, कोई मतलब का नहीं है। और रीसेल वैल्यू तो भूल ही जाओ, बहुत ही रेयर लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। जिन लोगों को बिल्कुल कुछ अलग करना होता है जीवन में वो लोग सिट्रन की गाड़ियां खरीद रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, शोरूम्स भी काफ़ी कम जगह पर हैं। हो सकता है आने वाले समय में सिट्रन खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर ले और एक बेहतर कंपनी बन के उभरे, लेकिन आज की बात करें तो हालात थोड़े गंभीर हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो सिट्रन का मार्केट शेयर भी 0.1% का है। 12th पोजीशन पर है स्कोडा। इस कंपनी ने 2254 यूनिट्स बेच पाई हैं फरवरी में पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ में इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.6% का, जो कि पिछली बार 1% था, मतलब कि स्कोडा का मार्केट शेयर भी घटा है। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसने सिर्फ 2755 गाड़ियों को बेचा है। आप लोग जानते ही हो कि निसान के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है मैग्नाइट, और ये जो सेल्स है वो टोटल मैग्नाइट की ही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करने नहीं वाले अभी तक, खबरों के हिसाब से तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं, ज़रूरत तो है नए प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट भी मैग्नाइट जैसा ही होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। बात करें मार्केट शेयर की तो 0.7% का मार्केट शेयर है, पिछले साल भी इनका इतना ही था। 10th पोजीशन पर है फॉक्स वैगन, जिसकी 3019 गाड़ियाँ बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत के अंदर। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि फॉक्स वैगन की बिक्री स्कोडा से ज़्यादा हो, वरना लगभग हर बार स्कोडा की बिक्री फॉक्स वैगन से ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। मार्केट शेयर फॉक्स वैगन का है 0.8% का, जो पिछली बार 1% था, तो गिरावट तो यहाँ भी है। और बाकी आप आगे की कंपनीज का नाम और उनकी सेल्स शायद पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 10 का डेटा बहुत पहले आ गया था, तो हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पर आपने ये डेटा देख लिया हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, जो लोग इंतज़ार करते हैं कि नहीं हम इसी चैनल पर देखेंगे, उनके लिए मेरा दायित्व बनता है कि भाई वीडियो बना कर दूँ, लेट हो जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ें तो 9th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसकी 4080 गाड़ियाँ बेची हैं पूरे भारत में फरवरी में। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.1% का, पिछले साल था 2% का, मतलब इसका भी मार्केट शेयर घटा है। लगभग हर कंपनी अभी तक गिरावट में ही है, मतलब कि डिक्लाइन में ही है। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस MG, इसकी 4532 यूनिट्स बिकी हैं। यहाँ पर पहली बार आपको बिक्री जो है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पिछले साल के फरवरी में इनकी बिक्री लगभग 4200 के आसपास हुई थी और इस बार 4500 के आसपास हुई है, तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है। हालांकि मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ भी गिरावट है, 1.3% का था और अब 1.2% का रह गया है, बहुत मामूली गिरावट है। आगे बढ़ें तो 7th पोजीशन पर है होंडा, जिसकी 7142 गाड़ियाँ बिकी हैं फरवरी में। इस कंपनी का मार्केट शेयर 1.8% का था, जो अब 1.9% हो गया है बढ़कर, तो पहली बार अभी तक कोई कंपनी हमें ऐसी नज़र आई है जिसका मार्केट शेयर बढ़ा है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, इस कंपनी की 20,200 गाड़ियां बिकी हैं फरवरी में। भाई सेल्टोस का है ना, मतलब जब सेल्टोस का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था तो उसकी बिक्री एकदम हाइप ली थी, लेकिन अभी वापस से सेल्टोस की बिक्री के वही हालात हो गई है जो पहले थी, वही 5-6-7 हज़ार पे आके सिमट गई है।
ठीक है, इस महीने की बिक्री मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन पिछले महीने तक काफ़ी डाउन थी। आगे बढ़ते हैं तो भाई, किया का जो मार्केट शेयर है वो भी घटा है। 7.4% का मार्केट शेयर था पिछले साल, जो अब घटकर 5.4% का रह गया है। पिछले साल लगभग 25,000 गाड़ियां बेची थी किया ने फरवरी में, इस बार 20,000 ही बेच पाए हैं। फिफ्थ पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 23,300 गाड़ियां बिकी हैं फरवरी में। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इस कंपनी का 4.6% मार्केट शेयर हुआ करता था, जो अब बढ़कर 6.3% हो चुका है। तो भाई यहाँ पर टोयोटा ने काफ़ी अच्छा गेन किया है, और हमेशा की तरह टोयोटा के भाई दो ही हैं T2C2, ये अपने फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा का दूसरा रूप इनोवा हाईक्रॉस आ गई है। यही दो गाड़ियां हैं जो टोयोटा को जिंदा रखी हैं और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखाती हैं। बाकी कोई भी गाड़ी आती है और जाती है, टोयोटा वहीं रहती है। फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसकी 42,401 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में। महिंद्रा की बिक्री इस महीने काफ़ी तगड़ी हुई है, क्योंकि पिछले साल इस महीने लगभग 30,000 गाड़ियां बिकी थी मात्र, इस बार 12,000 गाड़ियां ज़्यादा बेची हैं महिंद्रा ने, और मार्केट शेयर 9% से बढ़कर 11.4% हो गया है। तो भाई महिंद्रा की तारीफ है। थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा नहीं हुंडई, ऐसा लगभग मेरे याददाश्त के हिसाब से शायद तीसरी या चौथी बार हो रहा है कि टाटा ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। हुंडई की बिक्री हुई है 50,201 गाड़ियां बेची हैं हुंडई ने। ठीक है, मार्केट शेयर की बात करें तो हुंडई का मार्केट शेयर भी घट गया है, 14.1% हुआ करता था, जो घटकर 13.5% रह गया है। बात करें सेकंड पोजीशन पर आई हुई टाटा मोटर्स की, तो इसकी 51,270 गाड़ियां बिची हैं फरवरी में, और मार्केट शेयर भी बढ़ गया है 12.8% से 13.8% हो गया है। हालांकि टाटा और हुंडई की सेल्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग 1,000 यूनिट का अंतर है, लेकिन अंतर तो है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी, जिसकी 1,60,272 गाड़ियां बिची हैं फरवरी में। इतनी सारी गाड़ियां बेचने के बाद भी इस कंपनी का मार्केट शेयर घटा है। ये पिछले साल 44.1% का हुआ करता था, जो घटकर 43.1% रह गया है। तो भाई मेरे ख्याल में एक टाटा, महिंद्रा, टोयोटा और होंडा, यही कुछ कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, बाकी सबका घटा है। तो ये था पिछले महीने के ब्रांड सेल्स का डेटा। जल्दी आपको टॉप 25 सेलिंग कार्स और SUVs और लीस सेलिंग कार्स का वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।